चेंबूर स्थित बीडी पाटिल चौक से गडकरी खान तक की सड़क पर एंड पार्किंग को लेकर नाराज है लोग। सूत्र के अनुसार सड़क की मरम्मत कार्य के कारण फिलहाल यहां पे एंड पार्क अस्थायी रूप से बंद है, परंतु यहां पार्किंग किए जाने वाले ट्रक और टैंकर वालों से कुछ लोग पे एंड पार्क के नाम पर पैसा लेते हैं। वो लोग जो रसीद देते हैं उस पर लेने वाली एजेंसी का कोई डिटेल्स नहीं है। इस मामले की जाँच एक भुक्तभोगी ट्रांसपोर्ट ने की है। उनका सवाल है कि वह कहां गाड़ी पार्क करे। उनका कहना है कि यदि सच में इस सड़क पर पे एंड पार्क की सुविधा है तो वह जरूर भरेंगे, और यदि नहीं है तो इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आप पार्किंग के पैसे मांगते हैं, गाड़ी तो भाई इनलीगल पावती है, गाड़ी सोडाना नंबर आलेला आहे, माझा नंबर आला, मी पैसे मागतो 8000 रुपये, 8000 आता मी कुठून देणार? माणसं आहेत, ते माणसं आता इथं नाहीत ना, पार्किंगवाला म्हणला पैसे पाहिजे, गाडी सोडणार नाही। मी हापूसला सांगितलं, हापूस सांगितल्यानंतर मग की गाडी हे करणार नाही, मग सांगितलं मी पैसे मागते। त्या इनलिगल पार्किंग आहे, ड्रायव्हरने मुझे आया और बोला की ये पावती फाड़ के दिया है मुझे, तो हमने चेक किया, इसमें ना कोई कंपनी का नाम है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, ये इनलिगल पावती है, तो उसके लिए हमें इधर इंक्वायरी करना है कौन इससे पावती बांट रहा है। अभी वो कोई बंदे इधर है नहीं अवेलेबल, इसका गाड़ी का नंबर आया, इससे 8000 रुपये मांग रहे हैं, वही हम कंफर्म करना है कि चीज का पैसा हम पे करें इनको। हाँ, अगर ये इनलीगल है हम उससे पहले वो लेंगे वर्क ऑर्डर, अगर लीगल है, अगर इनलीगल है तो हम आरसीएफ में कंप्लेन करेंगे साहब, ये इनलीगल तरीके से हमसे पैसा ले रहे हैं। पहले भी एक बार ऐसे हुई थी, मैंने आरसीएफ में कंप्लेन किया था और उन्होंने इंक्वायरी करके हमको छोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई।